फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बालूशाह। उसमें हम 1/4 घी डालेंगे, अभी 1 कप मैदा के लिए ये, और हम बनाएंगे 2 कप मैदा की। तो उसमें हमें 2 कप घी चाहिए। दो कप ही इतना, 1/4 पानी ऐड करेंगे हम। घी और पानी की हमें इक्वल क्वांटिटी रखनी है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। चाहे खट्टी हो वो भी हो जाएगी, चाहे फिर इसकी रखी हुई हो। और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। ऐसे मिक्स कर लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, दही पानी और घी को, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, हमने उस पहले वाले इसमें नहीं डाला था मैदे में, उसको हमने ऐसे ही मिक्स कर लिया और इस मैदे में बेकिंग सोडा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम सूखे मैदा में ही। फिर उसके बाद इसको अपने बाउल में डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। हमें अपने इसको मैदे को अच्छे से मिलाकर एक बैटर बैटर का डो बना के तैयार करना है, अच्छा सा ना। हमारा सॉफ्ट और स्मूथ डो बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइट हाथ से नहीं मलना है इसको, आराम आराम से धीरे धीरे इसको मलना है। ये देखिए, ये देखिए जाली सी आ गई है इसमें, और इस तरह का ही होना चाहिए हमारा डो तैयार। इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के ऊपर डो को लगाना है। आप देखिए जरा, इस प्रोसेस को हमें 2-3 मिनट तक करना है। उसके बाद इसको 5 मिनट हम रेस्ट करने के लिए ढककर रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा डो जब तक रेस्ट कर रहा है हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए 2 कप चीनी, और 2 कप चीनी में डालेंगे 1 कप पानी। चाशनी की हमें यही क्वांटिटी रखनी है। ये देखिए, अभी हम चाशनी में चाशनी की सफाई करने के लिए ये दूध थोड़ा ऐड कर रहे हैं, इससे सारी गंदगी हट जाएगी। अभी हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रहे हैं, इससे चीनी जमेगी नहीं। हो गई ये चाशनी, हमको चिपचिपी ये चाशनी हमको चिपचिपी रखनी है, तार वाली नहीं बनानी चाशनी हमको। अभी हमारी चाशनी तैयार हो गई है।
इड्डो को हमने दो भागों में बांट लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। अब इसको हम काटेंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर इसको फिर बेलेंगे। हमें फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसके ऊपर इस तरह से रख करके इसको फिर बेलना है। इस प्रोसेस को हम 4 से 5 बार करेंगे, जिससे हमारे बालूसाए अच्छे बनेंगे, परत खिली हुई आएंगी। ये देखिए, अब हम इसके 4 भाग कर लेंगे। और इस तरह से हमें रोल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से रोल करके रखना है हमें। अब इसके हम ऐसे इसी तरह से हम अपने सारे को रोल बनाकर और कट कर करके रख लेते हैं। उसके बाद बालूशाही बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब इसको हम हल्के हाथों से ऐसे रोल करेंगे और फिर इसमें ऐसे बीच में बड़ा सा एक होल कर देना है। छोटा होल नहीं रखना है, बड़ा ही इसमें रखना है, क्योंकि तलते वक्त ये फिर दिखाई नहीं देगा, छोटा होगा तो। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह हम अपने सारे बालूशाही बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें बहुत ही हल्के हाथ से बनाना है, ज्यादा प्रेस करके नहीं बनाना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है हाथ पे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे बालूशाही बनके तैयार है और अब हम फ्राई कर लेते हैं। इनको सिम आंच पे ही सेकना है और इनको मतलब अपने आप ही फूल करके ऊपर आ जाएंगी, इनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हमारी बालूशाही फूल के ऊपर आ चुकी है और अब हम इनको हल्के से पलट देते हैं, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाएं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी बालूशाही सिक करके तैयार है और अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ठंडी होगी तो हमारे बालूशाही में चाशनी जाएगी नहीं अंदर, और अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना है और हमें इसमें 8 से 10 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे। उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे बालूशाही बनकर के तैयार हो गए हैं और हमने यहाँ पे प्लेटिंग भी कर ली है। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं बालूशाही, बिल्कुल बाजार जैसे। और आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई डिश बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।